गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रो प्रे। और आज हम करने वाले हैं एक प्लांट से रिलेटेड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के बीच में मतलब उसमें हम ये करने वाले हैं कि अभी तुलसी पे जो ब्लैक कीड़े हो जाते हैं या फिर तुलसी जो सूख जाते हैं गर्मियों में, और कुछ टिप्स एंड उस पेस्टिसाइड बनाएंगे, एक अच्छा खासा घर पे ही बनाएंगे, बाहर का कुछ नहीं लाएंगे। सो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड वो बनाने वाले हैं आज हम। सो लेट्स मूव ऑन अवर बिगिन अवर वीडियो। बाय गाइस, सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, आपको क्या फॉलो करना है जब जब आपके पास तुलसी का प्लांट हो। हाँ, तो सबसे पहले आपको ये करना है, अगर आपके पास तुलसी का पौधा है और उसको अच्छी खासी आपने उसको धूप में नहीं रखा है, तो सबसे पहले आप उसको धूप में रखिए। मतलब उसको उससे उसे उस पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटे धूप मिलनी चाहिए दिन में। मतलब दिन भर धूप मिले तो अच्छा है, लेकिन ट्राई करिए आप समर में उसको 5 से 6 घंटे धूप दें एंड बाकी तो उसको धूप मिलनी चाहिए पूरे दिन तक। एंड देन अगर आपके अगर आपने इस तुलसी के पौधे को देखिए, इसकी मंजरी एकदम कुछ भी नहीं, मतलब बहुत बहुत सारी मंजरियाँ है इसको। अगर आप इसको ऐसे कट नहीं करते तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। सो आप वो भी फॉलो कीजिए, अगर आप डेली इसकी मंजरियाँ कट कर दीजिए। सो अगर आप ये दोनों रूल्स फॉलो करके भी आपकी तुलसी ख़राब हो गई है तो आपको ये ट्राई करें, फर्स्ट आप ये दोनों रूल फॉलो करें, देन दूसरा वाला ट्राई कीजिए। अगर इन दोनों रूल्स से आपकी तुलसी का पौधा एकदम अच्छा हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट वाला तरीका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी बढ़ते हैं हमारे पेस्टिसाइड बनाने की ओर। एंड गाइज, और एक बात, अगर आपके तुलसी के पौधे के ऐसे जड़े ऊपर आ गए और उसको एकदम जो ये जो रूट्स देखिए आप एकदम ऊपर आ गई है, मतलब इसको सॉइल की जो कमी है, अगर आपके पौधे में ऐसा कुछ हो गया तो आप प्लीज़ सॉइल ऐसा फुल इतना तो डालिए कि वो जड़ एकदम छुप जाए। इसकी वजह से भी प्लांट हमारा सूखा हो जाता है, तो प्लीज़ ट्राई किया आप ये भी फॉलो करें। मैं इस तो तुलसी को ही आपको दिखाऊंगा। आप ऐसे ब्लैक कीड़े देख पा रहे हैं तो अगर आपके प्लांट पे ऐसे ब्लैक कीड़े हो गए तो नो वरी, आप इसकी इस पेस्टिसाइड के जरिए उसको आप भगा सकते हैं आपके प्लांट से। और ये देखिए, फर्स्ट आप मेरी इस तुलसी की पौधे की हालत देखिए, ये कैसे है। देन अगर आपको मैं इसके यूज़ का बात का जो वीडियो दिखाऊंगा आप दग रह जाओगे, क्योंकि मैंने पहले भी इसको इस्तेमाल किया लेकिन बीच बीच में एग्ज़ाम की वजह से गैप हो गया था। सो गाइस, सबसे पहले आपको लेना है सिनेमन पाउडर, मतलब दालचीनी पाउडर। आप इसकी मार्केट से, मतलब एकदम किराना शॉप जो होती है उस पे इसकी पाउडर भी ले सकते हैं, और उसकी जो डंडी आती है उसकी पाउडर भी आप बना सकते हैं मिक्सी में डायरेक्टली। मैंने ये पाउडर घर पे ही बनाई है मिक्सी में, सो आप वो ले सकते हैं। और याद रखें कि आप जो भी मेजरमेंट ले, मतलब जो स्पून ले उसी स्पून से सारा मेजरमेंट ले। सो मैंने यहाँ पे लिया है एक टेबल स्पून सिनेमन पाउडर, ये देखिए। एकदम हेल्दी होता है एंड इस पाउडर से जो कीड़े हमारे प्लांट के ऊपर है एंड वो मर जाएंगे और आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। और प्लीज़ ये बात याद रखिए कि आप जो भी मेजरमेंट ले वो एक ही क्वांटिटी में ले, मतलब एक ही स्पून से ले। सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। सो गाइज, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारी हल्दी पाउडर। सो हल्दी पाउडर तो आपको पता है कहीं भी अवेलेबल हो जाती है। सो इसके बेनिफिट तो सबको पता है, आजकल कोरोना केस में तो सबको पता होगा, ये एंटी फंगल एंड वो है एंड ये वायरस आने से मदद करती है, उसको लड़ने से मदद करती है। सो आपको बता होगा कि इसकी यूज़ क्या क्या है। ये प्लांट में हमारे जो कीड़े मकड़े, मतलब मिट्टी में जो एंड्स वो भी रहते हैं वो इसको भी किल कर देगी एंड जो हमारे बैक्टीरिया है एटमोसफेयर को भी क्लियर रखती है हल्दी। सो खाने में वो जो यूज़ करते हैं वही हल्दी हमें लेनी है, आपको आसानी से अवेलेबल होगी। ये भी मैंने एक स्पून ही ली है। सो बढ़ते हैं हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट की ओर। गाइस, सो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट कुछ अलग है। आपको लग रहा होगा कि ये नमक है, लेकिन गाइस ये नमक नहीं है, ये है मीठा सोडा। मतलब वो जो आप बेकिंग सोडा बोलते हैं ना, बेकिंग पाउडर नहीं गाइस, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो खाने में इसमें वो डलता है वो सोडा। सो ये भी मैंने वन टी स्पून ही लिया है, टेबल स्पून सॉरी, मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है। सो बेकिंग पाउडर नहीं गाइस, बेकिंग सोडा लिया है मैंने। सो आप भी ट्राई करिए कि आप भी वही ले लें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की ओर। इंग्रेडिएंट है हमारा कपूर।
कैम्फर जो बोल दे इसको आप बोल सकते हो, ये भी हमारे बैक्टीरिया से लड़ने से मदद करता है। ये भी मैंने मतलब ये देखिए इसको आपको ऐसे एकदम चूरा चूरा करके रख देना है इसको। मैंने ये भी 1 टेबल स्पून लिया है एंड ये एकदम पानी में डिजोल्व तो नहीं होगा, लेकिन आपको इसको बारीक बारीक एकदम चूरा करके पानी में डालना है। मतलब आपको पता हो गया कि अभी पानी में डालना है, सो एकदम इसका बारीक चूरा कीजिए। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो गाइस करते हैं हमारे मतलब पाउडर को तैयार। सो सबसे पहले एक कटोरी देख रहे हैं आप, मैंने इसी में वो तो तैयार किया है पाउडर। सो सबसे पहले हमें लेना है हमारा सिनेमन पाउडर, ये देखिए गाइस ये सिनेमन पाउडर, तो ये मुझे इसमें डालना है। अच्छे से मिक्स कर देना, आधा वीडियो मत देखना गाइस, पूरा देखिए वरना आपका ये तरीका बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। लास्ट तक देखिए, ये देखिए गाइस मैंने डाल दी है सिनेमन पाउडर। एक बात याद रखें कि गाइस आप मतलब ना इसको एकदम बारीक से बारीकी से पीस दें, एकदम स्मॉल स्मॉल होनी चाहिए कट, मतलब पाउडर फॉर्म में एकदम स्मॉल पाउडर फॉर्म होनी चाहिए, आप समझ रहे हैं ना। सो नेक्स्ट डालते हैं हमारी हल्दी, ये सिनेमन पाउडर मैंने पूरी डाल दी है। ये देखिए ये हमारी हल्दी, ये भी हमें डाल देनी है। एंड ये देखिए ये है हमारा बेकिंग पाउडर, नहीं सॉरी बेकिंग सोडा, सो ये डाल देना है हमें। एंड इसको अच्छे से मिक्स कर दे। सो गाइज ये देखिए मिक्स होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा इसका कलर फेंट हो जाएगा, ये देख पा रहे हैं आप इसका कलर एकदम फेंट हो गया है। सो मिक्स हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड देन आपको आपको तुलसी के पौधे पे इसको अप्लाई करने के लिए 2 मेथड्स है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट तरीके की ओर। ये देखिए ये मैंने लिया है इधर 1000 ml पानी। सो हाँ ये इसमें 1 लीटर पानी है एंड इसमें इसमें करने के लिए आपको इसमें डालनी होगी 3 टेबल स्पून पाउडर, मतलब ये पाउडर। एंड इस पाउडर को आपको 2 दिन के लिए ऐसे ही रख देना होगा इसमें, मतलब ये जो मिक्सचर आपने किया है इसको 2 दिन तक आपको रखने देना होगा एंड देन इसको आपको उस मतलब उस पौधे पे स्प्रे करना है। सो मैं डाल देता हूँ इसमें। सो गाइस डाल दिया है इसमें पूरा पाउडर, पूरा मतलब 3 टेबल स्पून ओनली। सो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इसका कलर कुछ अलग हो गया है पानी का एंड इसको आपको दो दिनों तक सिंपली ऐसा ओपन नहीं रखना है, इसका वो बंद करके रख देना है 2 दिन तक एंड देन आपको इस पर इसको सुबह और शाम 2 टाइम स्प्रे करना है। याद रखिए 2 टाइम सुबह और शाम 3 दिन तक एंड देन आपका पौधा थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगेगा। हफ्ते में इसको आपको 3 बार करना है, 1 मंथ। सो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड मेथड की ओर। होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड मेथड ये है कि हमें इस पौधे को सिंपली पहले गीला कर लेना होता है, मतलब नॉर्मल पानी से हमें इसको सिंपली वॉश करना होता है। सो मैं पहले इसको साफ पानी से वॉश कर लेता हूँ, मतलब इस नॉर्मल स्प्रे कर लेना है ऐसा, ये देख पा रहे होंगे आप, मगर सिंपली इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है एंड देन आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ। हाँ तो गाइस वॉश करने के बाद हमें लेना है वो पाउडर जो हमने वो ली थी एंड उसको एक सिंपली ऐसे, ये गाइस ये जो आपको दिखा ये दूसरा है, मेरे पास ऐसे 2 है तो ये दूसरा है एंड इसमें वॉश करने के बाद हमें तुरंत ही इसको ऐसा स्प्रे करना है। ये देखिएगा सिंपली इस पर स्प्रे करना है,
यस सो यू कैन सी हियर, ये देखिए ये देखिए गाइस, ये मैंने एकदम इसको कम्प्लीटली मतलब स्प्रे कर दिया है। और नीचे देखिए थोड़े थोड़े कीड़े पड़ने शुरू हो गए हैं इसके, ये देखिए आप। और आपको इसको बाद में साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये कीड़े अगर बढ़ गए तो दूसरे पौधों में भी लग सकते हैं। सो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ये देखिए इसको मैंने स्प्रे कर लिया है अभी अच्छी तरह से, और इसको शाम में भी स्प्रे करना है रोज़, हफ्ते में 3 बार सुबह शाम, याद रखिए 1 मंथ तक आपको करना है। सो होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, कॉमेंट बिलो। जल्दी हमारी 1K की फैमिली कम्प्लीट होने वाली है, सपोर्ट मी, थैंक यू। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको ऐसे प्लांट्स रिलेटेड वीडियो अच्छे लगते तो इस वीडियो को 50 लाइक कम्प्लीट कर दिए। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा मोगरा प्लांट से रिलेटेड, उसकी केयर एंड वो। सो 50 लाइक कर दो यार, 1K सब्सक्राइबर कर दो जल्दी से। फॉर वॉचिंग गाइज, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल ना। Bye bye, meet you next video, support me, bye bye. Thank you guys, I'm a little grateful for you guys for support me. Meet you next video, tab tak ke liye apna khayal rakhna, mask pehen lena, ghar pe rehna, surakshit rehna, bye bye. समझ लो तुम शायद।